सिवान में लगातार हो रही बारिश ने आम जीवन को काफी अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। शहर के वार्ड नंबर 6 पचमंदिरा के कई घरों में पानी घुस चुका है। पचमंदिरा मंदिर पानी में पूरी तरह डूब चुका है। पचमंदिरा मंदिर के पास बना पोखरा पूरा लबालब भर चुका है, जिससे पोखरे और सड़क में कोई अंतर नहीं दिख रहा है। लोगों का कहना है कि पोखरा और सड़क बराबर होने से कोई भी पोखरा में गिरकर डूब सकता है, लेकिन जिला प्रशासन और नगर परिषद इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे आम लोगों में काफी आक्रोश है। बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर देखिए पचमंदिरा से ग्राउंड रिपोर्ट। हाँ, ये सब सरकारी तंत्र की दोष है। कारण यहाँ कोई भी काम जो सरकारी हो रहा है, एक सिस्टम के तहत नहीं हो रहा है, जिसका नतीजा है ये सारे लोग पानी के अंदर डूबे हुए हैं। कितने घर इधर पानी में डूबे हुए हैं? मोटा मोटी 250-300 घर डूबे हुए हैं। क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं? परेशानियाँ तो बाढ़ फ्लड आया हुआ है, तो परेशानियाँ खाना पीना रहना सोना बैठना सबको ना दिक्कत है। पानी की व्यवस्था है, पानी मेरा नल जो है पानी में डूब चुका है, बिजली नहीं है 3 दिन से। गाड़ी वगैरह भी डूब गई है? सब गाड़ी 4-4 फोर व्हीलर मोटरसाइकिल सब घर में उठा के रखे हुए हैं। क्या होने चाहिए थे व्यवस्था नगर परिषद? व्यवस्था नाला का पानी का निकासी नहीं होगा जब तक ढंग से, तो इसका निदान नहीं किया जा सकता। इस वक्त हम वार्ड नंबर 6 शहर का वार्ड नंबर 6 जो पचमंदिरा है वहाँ खड़े हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पचमंदिरा मंदिर है जो पूरी तरह पानी में डूब चुका है, और ये जो पोखरा है, आप पोखरा हम अपने कैमरामैन से कहेंगे जरा पोखरे को दिखा, ये पोखरा और जो रास्ता है वो पूरे लेवल में आ चुका है, यानी कि कोई भी अनजान व्यक्ति आएगा तो पोखरे में गिर सकता है, किसी डूब के मर सकता है, कोई भी अप्रिय घटना भी हो सकती है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे वहाँ पे जानवर को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। पूरा जो वार्ड नंबर 6 पचमंदिरा है लगभग 250-300 घरों में पानी डूब चुका है, लेकिन नगर परिषद के द्वारा या स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा यहाँ पे कोई व्यवस्था कोई उचित उपाय नहीं किया गया। यहाँ तक कि पोखरे की घेराबंदी भी नहीं की गई है। कोई भी अनजान शख्स आएगा वो पोखरे में भी जा सकता है, अनहोनी भी घट सकती है। कितना पानी लगा हुआ है, घुटने भर पानी लगा हुआ है, उसमें लोग जा रहे हैं। आप देख सकते हैं बाइक जो है, बाइक जा रही है, आप देख सकते हैं बाइक पूरी तरह डूब गई है, बाइक जो है पूरी तरह डूब चुकी है। आप देख रहे हैं कि कितना यहाँ पे पानी लगा हुआ है, यानी कि जो सिवान शहर का जो सिवान शहर जो है उसका वार्ड नंबर 6 पचमंदिरा है वो पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। 250-300 घरों में पानी लग चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी स्थानीय जनप्रतिनिधि या फिर नगर परिषद के द्वारा कोई उचित उपाय नहीं किया गया है। बिहार न्यूज एक्सप्रेस के लिए सचिन कुमार सिवान। परेशानी है कि मानते हैं कि यहाँ पे घर दीवार है, मकान है, पूरे मकानों के अंदर पानी घुसा हुआ है। कहने का मतलब है कि ना नाला का कोई सुविधा नहीं है, नाला टूटा हुआ है, नगर पालिका वाला है। मेन नाला का बोलिए ना, मिलता तो मेन नाला जो रंग स्टेडियम डीएवी कॉलेज के पास में है वहाँ तोड़ दिया गया है। सारा पानी आ रहा है पोखरा में, पोखरा में आने का पानी पूरा घर में घुसा हुआ है। सब परेशान है, बाजार जाने में निकास कहीं नहीं है। यहाँ पे विधायक है चाहे सांसद है, उनको आके देखना चाहिए, उनका काम है देखने उखने के लिए। कितने घरों में पानी घुसा हुआ? अरे कहने का मतलब करीब 200-250 घर है, पीछे से लेकर पूरा घर में पानी घुसा हुआ है, पीछे से लेकर पूरा पचमंदिरा है, वार्ड नंबर 6 डूबा हुआ है। 6 डूबा हुआ है। क्या परेशानियां हो रही है? परेशानियां हो रही है कि आदमी आने जाने का निकास नहीं है, घर में घुसा हुआ, सब आदमी परेशान है, पानी से बाहर बैठे हुए हैं, खाना पीना के लिए हर चीज पसंद, कोई यहाँ पे देखने वाला नहीं है। नाला का व्यवस्था हो ना हो कोई इसका नहीं, दोषी मानते हैं वार्ड कमिश्नर को चाहे यहाँ के विधायक है। घर में
भूमि का दिक्कत होता है। का दिक्कत होता है? पानी ढुकल में घर में रास्ता रोड रोड कुछ नहीं थे में पता है कीड़ा मकोड़ा ढुक जाता पानी ढुक तो कीड़ा मकोड़ा ढुकबे करी। यहाँ पर देख रहे हैं पोखरा का पानी ऊपर तक आ गया जिसमें लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। यहाँ कुछ स्टूडेंट पीछे रोड है इसमें गड्ढे भी हो गए हैं, कई गाड़ियाँ फंस भी चुकी थी कि मोहल्ले के लोगों ने उनको निकाला और सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया। स्कूली बच्चे भी आने जाने में स्कूल बंद हो चुका है, दिक्कत हो रही है, अपने अपने घरों में बैठ रहे हैं बच्चे, लेकिन सरकार यहाँ पर नहीं सुन रही, कोई भी आज तक झांकने नहीं आया है। पोखरा के यहाँ पर वोट मांगने के लिए कोई भी आ जाता है। पोखरा और जो जमीन है वो लेवल पे आ गया है, तो अब ये देख रहे हैं पोखरा जो है 10 फीट नीचे था, यहाँ 5 फीट ऊपर तक आ गया है, जांग तक पानी आ गया है। तो यहाँ लेडीज भी बाहर भी निकलने में सोच रही है। तो कोई घटना भी घट सकती है? कोई घटना भी घट सकती है, गड्ढे है, कीड़े मकोड़े इधर उधर घूम रहा है, यहाँ कितने घरों में पानी घुस गया है, कोई डूब भी सकता है, यहाँ कोई डूब भी सकता है। छोटे छोटे बच्चे जो है वो बाहर नहीं निकल आदमी निकाल रहे हैं, उनको कोई व्यवस्था नहीं हो, जबकि 4-5 दिन हो गया पानी होते हुए। कोई भी प्रशासन हो या सरकार कोई भी देख रहा है। हम लोग बैठे, हम लोग घर में बैठे हुए हैं, खाना पीना कुछ नहीं है, ना सामान खरीदने के लिए, कैसे जाए, निकलना मुश्किल हो गया है पानी। इधर सबका कचरा का कोई ध्यान नहीं दे रहा है अभी तक तो ना, पहले जितने का पहले सब लोग कहते थे कि हाँ इधर रोड बनेगा, इधर रोड बनेगा, अब कुछ नहीं हुआ है। हम लोग कैसे सामान खरीदने के लिए जाए, स्कूल भी नहीं गए हम। यही हो रहा है कि सड़क भी नहीं बन रहा है, ना नाला बन रहा है, कहीं पानी निकलने का कोई उसका समस्या हल नहीं हो रहा है। सब विधायक लोग आ रहे हैं, बनेगा बनेगा, नहीं बन रहा है। अभी पानी घर में लगा हुआ है? हाँ, पानी लगा हुआ है, सब लाइटिंग उटिंग में सब में अंदर गया है। क्या क्या दिक्कतें हो रही है? दिक्कतें भी हो रही है कि कोई सामान भी नहीं है, बाजार से जाएंगे तब लाएंगे, उसके बाद ना कुछ होगा। बच्चा लोग का पढ़ाई लिखाई सब घर में है, सब पोखरा में से सांप, पोखरा भी डूब गया है, पोखरा भी डूब रहा है, पूरा सांप सब निकल रहा है, पाइप हमी के पानी में डूब गया, लैटरिन आंगन में रहता, घर में डूब गई आंगन में, जेकर जेकर खाल बकरा घर में घुस गई पानी। हाँ बताई, हम के नौबत आ गई, कविता जी के जितनी से यही खाती, पूरा पंच मंदिर पानी में डूब गई, पूरा पानी में डूब गई बनी स्वामी के, खाऊ खाती के जाई, अब कहाँ से ले आई से इतना पानी में डूब के। देखिए, इस सिलसिले में हम बताना चाहेंगे कि हम लोग को भी ऐसे सूचना प्राप्त हो रही है, ये बाढ़ की स्थिति नहीं है, ये जल जमाव है। बाढ़ की स्थिति अभी ऐसी नहीं है, हमारे शहर में और हमारे जिले से सटे जो घाघरा नदी बहती है उसका जलस्तर खतरे के निशान से काफ़ी नीचे है। हाँ ठीक है कि 4-5 दिन से पानी हो रहा है, जिससे मोहल्लों में पानी जमा हो गया है, तो उसको निकालने के लिए नगर परिषद की तरफ से JCB लगाया गया है, पंपिंग मशीन लगाया गया है और लगभग 300 मजदूर काम कर रहे हैं। तो जो जल जमाव की स्थिति है उससे हम लोग निपटने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर लोग मोहल्ला छोड़ क्यों जा रहे हैं? नहीं, अगर उनको ऐसा कोई कष्ट है तो हम लोग को भी सूचना मिल रहा है, जिसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उन्हें अपना घर छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ्लड की कोई स्थिति नहीं है, जल जमाव है, तो उसके लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। और ये पहले से भी व्यवस्था है, लेकिन एक दो जगह नाली के जाम होने से और दाहा नदी का स्तर ऊपर होने की वजह से जो नाले हैं उनसे पानी निकल नहीं पा रही है, इससे जल जमाव की स्थिति हो जा रही है, जिसके लिए प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहा है। मोहल्लेवासी का आरोप है कि प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं किया गया है, हम लोग भी जगह जगह घूमे हैं लेकिन कहीं नहीं JCB दिखाई दिया, नहीं कोई कर्मचारी दिखाई दे। क्या वार्ड ऐसे है जहाँ 2-3 दिन से लोग घर से नहीं निकल पा रहे, कितना बारिश? नहीं, अब ऐसी बात तो नहीं है, हमारे स्तर से JCB वहाँ लगाया गया है, पंपिंग मशीन भी लगा हुआ है, अभी कार्यपाल हाँ वो मैं बता रहा हूँ, ये है आनंद नगर में लगा हुआ है, जेल के पास लगा हुआ है, मालवीय नगर में लगा हुआ है और आनंद नगर में लगा हुआ है। सब जो लोग प्लान करने को मजबूर है उसके लिए प्रशासन क्या पहल करेगी? नहीं, प्रशासन की तरफ से मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि पलायन करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पानी अगर लग गया है उनके दरवाजे पर तो हम लोग उसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं।